हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वन डे लॉ रिविजन मॉड्यूल वन इवोल्यूशन नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेट्स क्विकली गो थ्रू द दिनॉपिस फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसका नेचर क्या है उसका स्कोप कहाँ तक है कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि रूल ऑफ लॉ क्या है सेपरेशन ऑफ़ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि कैसे पावर्स को सेपरेट किया गया है इन इना कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसमें कैसे फंक्शन करता है फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उनके बीच का रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में इफ़ यू टॉक बिफोर ट्वेंटी सेंचुरी क्या होता था तो शिवाजी महाराज थे मुगल पीरियड था तो वो टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थे मतलब लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस बिफोर ट्वेंटी सेंचुरी अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज थे शिवाजी महाराज के रूल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो चलता था जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को डील किया जाता था शिवाजी महाराज या पहले भी राजाओं का ज़माना था मुगल पीरियड था और अगर ट्वेंटी सेंचुरी से बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द कंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ट्वेंटी सेंचुरी में ही हुए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई मस्ट से तो पहले जो स्टेट या कंट्री का जो ड्यूटी था वो क्या था कि वो लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ दर सिटीजन ये पहले का लाइफ हो गया बट अब ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हो गया ट्वेंटी एथ सेंचुरी या इवन इफ़ उसी शिवाजी महाराज का टाइम या मुगल पीरियड उसके बाद में लोगों की हेल्थ भी स्टेट की ड्यूटी होने लगी फिर चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है कि अगर चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलेगा तो वो आगे जाके बेटर सिटीज़न बढ़ेंगे कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ेगा कंट्री प्रोग्रेस करेगा स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग बढ़ेगा फिर बाद में स्टेट का ये भी काम है कि स्टेट में क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करना मैन्यूफैक्चर देखना डिस्ट्रीब्यूशन देखना उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डेवलप करना सो so, पहले जो सिर्फ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाली बात थी कि सिटीजन्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है अब वहाँ तक ही बात लिमिटेड नहीं है इसलिए एडमिनिस्ट्रे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया अब ये वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल ब्रेक करो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन से उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलेंगे इट डील्स विद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डील्स विद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनेशन क्या है यहाँ तो समझा लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट डील्स विद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इट डील्स विद लीगल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं लॉ रिलेटिंग टू वॉट लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसलिए क्या बोला इट डील्स विद लीगल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पास इन अदर वर्ड हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, ऑर्डर्स डिसीजन्स क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट कि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी उसने जो रूल्स बनाए लॉज बनाए रेगुलेशन बनाए ऑर्डर्स बनाए या डिसीजन दिए उसके बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना Haan, law, मतलब विच इज़ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ लॉ कॉमनली रेफर टू एज पब्लिक लॉ मतलब पब्लिक लॉ क्या है जो लॉ रेगुलेट re करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट उसको हम पब्लिक लॉ बोलते हैं विच इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर पार्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी पब्लिक प्रोग्राम्स इन एरियाज एस डाइवर्स एज इमिग्रेशन सोशल वेलफेयर डिफेंस इकोनॉमी रेगुलेशंस या हर एरिया में हम बोल सकते जहाँ पब्लिक प्रोग्राम्स ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लगेगा हमको क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बाई द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है अब नेचर एंड स्कोप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटमाइंस दर्गनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है उसका नेचर और स्कोप देखना है हमको यहाँ कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन पावर्स ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एम्फोसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑन प्रोसीजर्स फॉर फॉर्मल जजमेंट प्रोसीजर्स ऑफ फॉर्मल जजमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये प्रिंसिपल हमने लेबर में भी देखा था एंड फॉर रूल मेकिंग नॉर्मली कोई भी लॉ क्यों बनता है ताकि नेचुरल जस्टिस मिले सबको तो इसी प्रिंसिपल पे सारे लॉज बेस्ड रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑल्सो डिटरमाइंस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पावर डेलीब्रेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफिशल्स कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स को हमने क्या पावर्स डेलीब्रेट किए दी है थ्रू लेगिस्लेशन पार्लियामेंट डेलीगेट स्पेसिफिक पावर लेगिस्लेशन से पार्लियामेंट क्या करती है पावर्स डेलीगेट करती है और ड्यूटीज देती है किसको गवर्नमेंट ऑफिशल्स को ताकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज परफॉर्म करे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अब जो कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है पहले तो पावर इज कंफर्म ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय लॉ क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पावर कहाँ से मिला है बाय लॉ नो पावर इज एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड हाउ सो एवर ब्रॉड द नेचर ऑफ द सेम माइड बी देर शुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कितना भी ज़्यादा हाउ सो एवर ब्रॉड द नेचर है पावर ना एब्सुलट है ना अनकंट्रोल्ड है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है पावर को एक्सरसाइज करने पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डेवलपमेंट ऑफ द लॉ कि लॉ डेवलप कैसे हुआ अनलाइक अदर फील्ड्स ऑफ लॉ मतलब अनलाइक बाकी के फील्ड्स छोड़ के जैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ रिसेंट फिनना मतलब बाकी के फील्ड्स पहले से है एंड कैन फेयरली बी डिस्क्राइब्ड एस इन्फेंट

क्यों ये पिक्चर में आया कि मैंने जैसे तुमको बताया कि अब स्टेट और भी चीज़ें देखने लगा लोगों का वेलफेयर उनका प्रोटेक्शन उनके राइट्स का प्रोटेक्शन लीगेलिटी फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन फिर उन चिल्ड्रंस का एजुकेशन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर एंड सो ऑन बहुत सारी चीज़ें विथ सच बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग पार बिगेन टू ग्रो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बढ़ने लगा डेवलप होने लगा टिपिकली विद द proliferation of ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ shown शोन सिग्निफिकेंट चेंजेस सिग्निफिकेंट चेंजेस है इन इट्स नेचर and एंड स्कोप इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ कोई भी लॉ उसकी नीड या उसकी हिस्ट्री से बनता है तो हमने पहले हिस्ट्री देखा फिर नीड देखा कि क्यों ये लॉ पिक्चर में आना जरूरी लगा और फिर वो कैसे डेवलप हुआ सो दिस इज़ द फ्लो फॉर एवरी लॉ रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अब रूल ऑफ लॉ क्या है रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है इट रिक्वायर्स वॉट गवर्नमेंट शुड ऑपरेट विथ इन दंफियस ऑफ द लॉ कि लॉ की जो बाउंड्रीज है जो लिमिट्स है उसके अंदर गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए और जो भी अग्रीवड सिटीजन है मतलब जिसके साथ गलत हुआ है हुज इंटरेस्ट हैज़ बिन एडवर्सली अफेक्टेड मतलब वो जिसके साथ गलत हुआ उसको एक राइट मिलना चाहिए ही शुड बी एंटाइटल टू अप्रोच द इंडिपेंडेंट कोर्ट उसके पास राइट रहना चाहिए जिसका भी गलत हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट कोर्ट के पास जाके बोल सकता है कि आप मेरे को जस्टिस दो टू एडजुडिकेट वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर एक्शन टेकन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेटस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अब इस केस में कोर्ट क्या करेगा एक्जामाइन करेगा एग्जामाइन अ पर्टिकुलर डिसीजन मेड बाय द ऑफिशियल या तो ऑफिशियल बॉडी टू डिटरमाइन वेदर इट फॉल्स विद द अथॉरिटी कन्फर्म बाय लॉ ऑन द डिसीजन मेकर मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी ने कोई चीज़ ऐसी की जो लॉ के बाउंड्रीज के बाहर है और उसकी वजह से जिस सिटीजन को लॉस हुआ है जो भी अग्रीब सिटीजन है जो अफेक्ट हुआ है वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है अब कोर्ट चेक करेगा फैक्ट्स को एग्जामाइन करेगा कोर्ट क्या करेगा चेक करेगा एग्जाम करेगा फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन देगा कोर्ट इन इट्स वे दैट द प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस पर से हमको क्या समझा कि जो रूल ऑफ लॉ है कि जो रूल बोलता है कि बाउंड्री के अंदर लो दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसको भी अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर तुम कोई ऑफिसर ने जो बाउंड्री है जो उसके बाहर कुछ कर दिया तो देन यू कैन सू या यू कैन टेक द केस टू द कोर्ट इट हैज बिन रिपीटली सेट दैट द बेसिक पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू कंट्रोल एक्सेसिव एंड आर्बिट्री गवर्नमेंटल पावर कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पज़ क्या है कि कंट्रोल करना है तुमको एक्सेसिव एंड आर्बिट्री गवर्नमेंटल पावर पर्पज इन मेनली अचीव थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट बाई रिव्यूइंग एंड चेकिंग द लिगैलिटी ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि एक ब्रांच है अलग अलग लॉज की इज रूटेड इन द प्रिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ The principle mainly stipulates that every every administrative action should be according to the law. Different control mechanism of power in different law by preventing government not to go beyond the authority, by preventing government not to go beyond the authority, granted to it by law, ensure that law that rule of law is respected. हेंस द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल रूल ऑफ लॉ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन की मतलब गवर्नमेंट की जो आर्बिट्री एक्शन है अगर वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ उनको प्रोटेक्शन देगा कैसे ये बोल के कि जो भी डिसीजन है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्शन ले रहे हैं दैट शुड भी विद इन द बाउंड्रीज तो रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्शन दे रहा है इससे हमको रिलेशनशिप समझता है इसके बीच का रूल ऑफ लॉ का और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना रिलेटेड है अगर कोई भी चीज़ विद इन द पावर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहा है तो जैसे हमने कंपनी लॉ में देखा था कि अगर डायरेक्टर कोई भी चीज़ आउट ऑफ द एम ओ या ए जो कि एक रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का अगर डायरेक्टर्स इसके बाहर का काम कर रहे हैं तो दैट इज़ अल्ट्रा वायलिस मतलब अल्ट्रा वायलिस मतलब क्या बियॉन्ड द पावर तो यहाँ क्या बोला है अगर अथॉरिटीज कुछ जो उनका बाउंड्रीज है उसके बाहर का काम करे तो हम उसको अल्ट्रा वायरस मानेंगे और उसको उसके अगेंस्ट जो अफेक्टेड पर्सन है उसको इंसाफ मिलेगा फिर एक स्टेप आगे जाके क्या समझेगा दैट एन एक्शन ऑफ एन ऑफिशियल और एजेंसी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर कि जब बियॉन्ड द स्कोप बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस तुम कुछ चीज़ करते हो तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नल एन वर्ड नर्ड मतलब क्या हम उसको कैंसिल ही मानेंगे वर्ड मतलब ये एक्शन नहीं एग्जिस्ट करती इट इज़ नॉट वैलिड एंड अल्ट्रा वायरस एक्शन डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग इफेक्ट इसमें कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं तुम इंसान को बांध नहीं सकते हो कोई भी चीज विच इज बियॉन्ड योर पावर करके इन द आइज़ ऑफ लॉ ठीक है मतलब उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है इट इज़ नॉन बाइंडिंग समझा रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच का रिलेशनशिप अब है सेपरेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या एक डॉक्टर कोई भी गवर्नमेंट लेजिसलेटिव हो एग्जीक्यूटिव हो जुडिशियल हो वो खुद का पावर खुद एक्सरसाइज करेंगे दूसरे केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे शुड द पावर शुड नेवर शुड नेवर एक्सरसाइज द पावर ऑफ द अदर या तो नन ऑफ द गवर्नमेंट बोला है तो शुड एवर कि उन्होंने कभी भी किसी और के इसके पावर्स में नहीं घुसना है इंटरफेयर नहीं करना है थ्री डिपार्टमेंट्स है सेपरेट है डिस्टिंक्ट है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो तीनों के जो भी पावर्स है उनकी जो अथॉरिटी है लेजिसलेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशल की उनको मिक्स नहीं करना है दूसरों के पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते कुछ राइटर्स का क्या बोलना है जैसे कि वेड एंड फिलिप्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स दैट सेम पर्सन कैन नॉट कम्पोज मोर देन वन ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट्स कि कोई भी एक इंसान तीनों डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता तीनों डिपार्टमेंट के बिहाफ पे काम नहीं कर सकता एक डिपार्टमेंट दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता उसके एक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता एंड वन डिपार्टमेंट शुड नॉट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द अनदर टू डिपार्टमेंट इस तरीके से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता उनको कंट्रोल नहीं कर सकता उनकी फंक्शनिंग में बीच में नहीं आ सकता क्लियर दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर अब सेपरेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या चीजें हैं? तो सेपरेशन ऑफ पावर का लिमिटेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्योंकि separation of power क्या बोलता है कि तीनों भी डिपार्टमेंट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे ठीक है अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ लॉ पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस ब्रांच इज लिमिटेड टू द एग्जीक्यूशन और एनफोर्समेंट बट टू एंश्योर इफिशियट एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट टू एंश्योर इफिशियंट एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट ये कंपल्सिव हो गया है कंपल्सिव नेसेसिटी दिस हैज बिकम नेसेसरी कि जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उनके पास कुछ एडिशनल लेजिसलेटिव या जुडिशल पावर हो एग्जीक्यूटरी एजेंसी कौन सी रहती है जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखती है और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कौन सी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन है गवर्नमेंट के वो प्रॉपरली हो रहे है क्या वो देखती है अब उसमें कुछ लेजिस्लेटिव या जुडिशल पावर्स डालना अब जरूरी हो गया है ड्यू टू दी इफेक्टिव एंड एफिशेंट वर्किंग या एनफोर्समेंट ऑफ लॉ मतलब अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो ठीक से नहीं फंक्शन कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमने लिमिटेशन बोल दिया है उसका क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को कुछ कुछ पावर्स मिले हैं टू मेक द डिसीजन कुछ जुडिशियल पावर्स है या लेजिसलेटिव पावर है टू रिफ्रेम द लॉ अब फॉर इंस्टेंस एक केस दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू अ प्रॉपर थ्रू अ पावर डेलीगेटेड टू इट बाई द हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन आर केस पार्लियामेंट में इशू रेगुलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेगुलेशन इशू कर दिए Similarly, specific administrative agency can issue directives in accordance with the power, power granted to them. वैसे ही जो administrate administrate agency है वो भी कुछ powers कुछ directions issue कर सकती है ऐसे उनको अगर कुछ power है तो they can issue the direction for द particular agency. अब इसमें क्या हो रहा है Limitation कहाँ है The principle mainly serves as a limitation on the scope of administrative law by making courts not to question the substance of administration action but only its legality. एज फार एज अ डिसीजन इज टेकन बाई एजेंसी जो एजेंसी ने डिसीजन लिया विच इज़ विद इन इट्स कन्फींस ऑफ पावर कोर्ट शुड रिफरेंट दमसेल्फ फ्रॉम विइंग दट एक्शन कि जब तक एजेंसी का कोई भी डिसीजन उनके पावर के अंदर है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दियर पावर इज नॉट अल्ट्रा वायरस तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दट इज नॉट बियड द लिमिट्स ऑफ पावर्स कन्फर्म ऑन द डिसजन मेकर इज नॉट द प्रॉपर स्पीयर फॉर द कोर्ट्स टू इंटरवेन एक्जैक्टली बट फिर भी अगर उन्होंने इंटरवेन किया तो इट विल भी वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेप सेपरेशन ऑफ पावर सिंस दे आर इन इफेक्ट एनक्रोचिंग द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरविन करके वो एग्जीक्यूटिव के पावर को एनक्रोच कर रहे तो वहां लिमिटेशन आता है लिमिटेशन टू द सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रीन समझा कंसेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या रिलेशनशिप है प्रेजेंट एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ समझा है बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ओवरलैप बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके डिसिप्लिन ओवरलैप कर सकते हैं एट अ सर्टन प्लेस विच इज नोन एन वाटर शेड्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इट कैन इंक्लूड द होल कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुछ आर्टिकल्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन के थर्टी टू वन थर्टी सिक्स टू सिक्सटी सेवन टू टू सेवन एंड थ्री वन वन यहाँ क्या बोला है कि जो ओवरलैपिंग पावर्स है हमको इन आर्टिकल्स में दिखती है कि कुछ चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी देख रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी देख रहा है फॉर एग्जाम्पल हमने किसी मैटर को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंक्लूड किया है एज अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन था गवर्नमेंट का इसलिए हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को पास ऑन किया बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आर्टिकल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन्स है तो अब यहाँ ओवरलैप हो जाता है दो वो दोनों मिक्स होते हैं तो उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा रिलेटेड है यहाँ कुछ इंटर स्टेट काउंसिल हो सकती है आर्टिकल टू टू सिक्सटी थ्री टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन टू एटी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी टू सिक्सटी टू पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये सारी चीज़ें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आती है तो इट मे ऑल्सो इंक्लूड द लिमिटेशन इम्पोज बाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑन डेलीगेशन ऑफ पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटि अथॉरिटी सो द वॉटर शेड्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट टोटली इंडिपेंडेंट इससे हमको क्या समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं एज अ गवर्नमेंट एजेंसी या एज अ पब्लिक तो उस पर भी डिपेंड करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे ऑल्सो डिपेंड ऑड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्योंकि कुछ आर्टिकल्स मिक्स करते हैं दोनों के प्रोविजन्स को बट इट इज़ इंटर रिलेटेड टू ईच अदर दोनों भी इंटर रिलेटेड हैं बोथ आर इंटर रिलेटेड आई प्रूव यू हाउ कि कुछ आर्टिकल्स में जो रूल्स दिए रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑलरेडी है द डिफरेंस बिटवीन द टू इट सेल्फ शो दैट बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जो डिफरेंस है दोनों का वो खुद बताता है कि दोनों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंटरी है एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है वो बहुत वाटर टाइट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है इनवेड इन टू द टेरिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो टेरिटरी है कि लॉ में कुछ आर्टिकल्स है उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है उनकी टेरिटरी को इन्वेट करता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूरिस्ट स्कॉलर्स लॉ स्टूडेंट्स टू डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसमें मिक्स हो रहा है कुछ प्रोविजंस मिक्स हो रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझें ये दोनों भी पब्लिक लॉ है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मदर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एंड इट कैनॉट बी टोटली सेपरेटेड क्योंकि सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ही बन के आए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को तो हम मदर बोलते हैं तो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सेपरेट नहीं किया जा सकता हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते इट कैनॉट बी सेट टू बी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्बिट्री एक्शन लिमिटेड है बाय द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फेयरनेस रीजनेबल एंड जस्टनेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखता है पावर्स फंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद जनरल प्रिंसिपल रिलेडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट रिलेशनशिप ऑफ दिस ऑर्गन विदिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एजेंसी रिलेटेड पावर्स फंक्शन ड्यूटीज को देखता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो जनरल प्रिंसिपल है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके पावर्स उनके अलग अलग ऑर्गन उनका रिलेशनशिप अलग अलग ऑर्गन के साथ विद इंडिविजुअल ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सारे लॉ सारे ऑर्गन्स को मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को देखता है इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डील्स विद राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फोक ऑन पब्लिक नीड्स ये राइट्स देखता है पब्लिक के और ये पब्लिक नीड्स देखता है सो दिस इज अग डिफरेंस ये तुमको रिलेशनशिप समझने में काफी हेल्प करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइट्स प्रोटेक्ट करता है पब्लिक के पब्लिक के राइट्स क्या है आर्टिकल में मेंशन करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक की नीड्स पे फोकस करता है इसलिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम दोनों लॉस के बीच में ताकि उनके टेरिटरी डिफाइन हो उनकी फंक्शनिंग ऑफ द जूरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द लॉस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में हमने क्या देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को काफी रिकोग्निशन मिला इट बिकेम अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कट अक्रॉस द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर ये ट्रेडिशनली गवर्नमेंट पावर को जैसे एक में ही देखा जाता था अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक अलग ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अलग से रिकोग्निशन मिला है और ये क्या कम्बाइन करता है कंबाइंस इंटू वन ऑल दी पावर्स विच व ट्रेडिशनली एक्सरसाइज बाई थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ये तीनों जो ऑर्गन्स है

प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन रूल एप्लीकेशन एक्शन तो पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटि एंड जुडिशल फंक्शंस जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी खुद का पावर एक्सरसाइज करती है तो वहाँ वो क्या करेगी बाय लेजिस्टर रूल बनाएंगी रूल मेकिंग एक्शन

तो इट मे हैव सब्सटैशियल इफेक्ट अपॉन द पार्टीज कंसर्न इफ द पार्टीज क्यों सब्सटैंशल इफेक्ट है क्योंकि यहाँ लॉ बन रहा है लॉ मेकिंग फंक्शन इज ट्रीटेड डेड एज लेगिस्लेटिव इन नेचर देर इज नो राइट टू अ नोटिस एंड हयरिंग अनलेस अ स्टैट्यूट एक्सप्रेसली रिक्वायर्स दैम ये हो गया लेगिस्लेटिव फंक्शन की लॉ मेकिंग से कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अटैच है या उनको वहाँ से क्या क्या पावर्स मिली है जुडिशियल फंक्शन जुडिशियल मतलब क्या डिसीजन मेकिंग तो अकॉर्डिंग टू द कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पार प्योर जुडिशियल फंक्शंस प्री सपोजेस एंड एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट यहाँ एक एक्जिस्टिंग डिस्प्यूट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एंड इट इन्वॉल्व फोर रिक्विजिट इसमें चार रिक्विजिट है प्रेजेंटेशन की क्यों डिस्प्यूट हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ दर कॉज बाय द पार्टीज पार्टीज उनके झगड़े का कारण प्रजेंट करेगी अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो एविडेंस अरेंजमेंट्स एविडेंस को अरेंज कर एविडेंस को ढूंढना है अलग अलग अरेंजमेंट से क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सबमिशन ऑफ लीगल आर्ग्यूमेंट्स बाय द पार्टी और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मिलेगा डिसीजन बाय फाइंडिंग फैक्ट्स इन डिस्प्यूट या तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू द फैक्ट रूलिंग अपॉन डिस्प्यूटेड फंक्शन ऑफ लॉ कि पहले तो प्रेजेंट करो तुम्हारा केस क्वेश्चन ऑफ़ फैक्ट है तो एविडेंस अरेंजमेंट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो लीगल आर्ग्यूमेंट्स फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन रहेगा डिसीजन विल बी बाइंडिंग

ग्रिफ्ट एंड स्ट्रीट सेटेड दैट कॉज जुडिशियल फंक्शन स्टैंड मिड वे मिड वे है किसका बिटवीन जुडिशियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो दोनों चीज़ें इंक्लूड करता है जुडिशल फंक्शन भी थोड़ा बहुत एंड थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी उसको हम कॉजी जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं कॉजी जुडिशियल डिसीजन इज नियरर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स एंड नियरर द जुडिशियल डिसीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इट्स एंड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए इनहरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कि दे आर जनरली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन है गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रहेगा उसके डिसीजन में डिसीजन का बात है जब जुडिशियल फंक्शनिंग वाला पिक्चर हम देख रहे हैं और अगर लॉ बन रहा है तो लेगिस्लेटिव नो लीगल ऑब्लीगेशन टू अडॉप्ट जुडिशल अप्रोच कोई लीगल ऑब्लीगेशन नहीं है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई जुडिशल डिसीजन दे रही है सब्जेक्टिव डिसीजन नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो कैन टेक डिसीजन इन एक्सरसाइज ऑफ स्टैचुटरी पावर डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को और इन द एबसेंस ऑफ स्टैच्युटरी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डेलीगेटेड सब डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में कंसिडर एविडेंस इवन सच डिस्क्रिप्शन मतलब उनके ऊपर है ऑन दैट डिस्क्रिप्शन की एविडेंस कंसिडर करना चाहे तो कर सकते फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज़ नॉट ऑलवेज बाउंड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अनलेस स्टैचुटरी प्रोविजन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखने की ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी हेल्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ़ अनरी अगर अनरीजनेबल है तो हम उसको इनवैलिड मानेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया या जो डिसीजन दिया है अगर वो अनरीजनेबल है तो दैट विल बी हेल्ड एस इन वैलिड रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन क्रिटोरिया आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कि रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन वाला पावर अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमेशा नहीं मिलेगा सो so, एक बार फिर से देखते हैं वी हैव कवर नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर क्या है उसका स्कोप एंड उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ इसमें हमने हिस्ट्री देखी थी बिफोर ट्वेंटी एथ सेंचुरी एंड ट्वेंटी एथ सेंचुरी और उसमें उसके बाद क्या हुआ एंड देन वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसेप्ट को समझा रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल ऑफ लॉ में बाउंड्रीज देखी थी सेपरेशन ऑफ पावर में तीनों अथॉरिटी के पावर्स कैसे सेपरेट होती है एंड दे शुड नॉट इंटरफेयर वो पॉइंट देखा था फिर रिलेशनशिप देखा था बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक थैंक यू